नमस्ते दोस्तों, मार्बल फ्लोरिंग जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज के वीडियो में आपको एक होम टूर करवाने वाला हूं और घर का साइज़ रहेगा 50 फीट बाई 40 फीट का ही है। 2000 फीट का कंस्ट्रक्शन है, इसको बनाने में कितना खर्चा आता है और फुल डिटेल इस वीडियो में मिलेगी आपको। और अगर आपको किसी भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी काम है तो ये देखिए, पूरा ये मैं कंपनी बता रहा हूँ आपको, ये वाइट स्टोन आर्किटेक्चर्स, और ये देखिए इनका पूरा, ये देख सकते हैं यहाँ पे नंबर भी है, नंबर भी शो हो रहे हैं, और ये जीमेल आईडी है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर उदयपुर में कोई भी काम है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए देखिए, अब चलते हैं अंदर की साइड में और पूरा डिटेल दूंगा मैं आपको वीडियो में। देखिए कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन है, ये देखिए पूरा बार का एलिवेशन आप देख सकते हैं, मकान का एलिवेशन। और टोटल प्लॉट है 4000 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट है, इसमें आधे में ये कंस्ट्रक्शन कर रखा है। और देखिए पहले, सबसे पहले ये रैंप का डिज़ाइन है और ये गेट का डिज़ाइन, गेट के बाद में अगर आप कंपाउंड वॉल का डिज़ाइन देखना चाहें तो ये कंपाउंड वॉल का डिज़ाइन। और यहाँ पे जो एलिवेशन में टाइल्स यूज़ हुई है, 1 फीट बाई 1.5 फीट की ये टाइल्स यूज़ कर रखी है। और ये देखिए ये पूरा, और विंडो में सभी देखिए एल्यूमिनियम सेक्शन की ये विंडो बनाई हुई है। ये देखिए ये पूरा डुप्लेक्स हाउस का प्लान है और ये 5 BHK का पूरा प्लान है ये देखिए। और अब चलते हैं, देखिए अंदर की साइड में है, ये अंदर का पूरा डिज़ाइन देख सकते हैं आप पूरा ये। और अंदर में फ्लोरिंग, किचन और मेन गेट, ये सब मैं दिखाऊंगा इसमें। ये देखिए पूरा ये गेट का डिज़ाइन, जैसे ही हम गेट के अंदर इंटर होते हैं तो देखिए रैंप में एक पट्टी अप डाउन कर रखी है ताकि कभी भी आप कार भी चढ़ाएं तो आपका टायर स्लिप ना हो। और ये पार्किंग में ये सभी टाइल्स लगाई हुई है, देखिए पार्किंग का ये टाइल्स है। और ये देखिए पूरा ये पूरा प्लास्टर में ये पूरा ग्रो कर रखा है ये। और ये साइड का देख लीजिए, ये पूरा मेन डोर का डिज़ाइन। घर के चारों तरफ में ये टाइल्स लगाई हुई है और एलिवेशन में ये देखिए टाइल्स को पास से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ऐसी ये टाइल्स है। और अगर हम टाइल्स की बात करें तो ये लगभग 30 से 32 रुपए पर स्क्वायर फीट का ये टाइल्स है एलिवेशन का। और अब मैं आपको घर के अंदर इंटर करवाता हूँ, आप देखिएगा बहुत ही बढ़िया घर बनाया हुआ है और विंडो का भी आप आइडिया ले सकते हैं। अब जैसे ही हम घर के अंदर में इंटर होते हैं तो ये सीटिंग है, गेस्ट कोई भी गेस्ट आते हैं तो गेस्ट के लिए यहाँ पे ये रूम है। और इसके अलावा नीचे में 3 रूम और बनाए हुए हैं देखिए। और ये फ्लोरिंग देखिए बहुत ही बढ़िया, कम बजट में 50 रुपये पर स्क्वायर फीट का ये बजट में ये फ्लोरिंग देखिए, ये निजना वाइट मार्बल है। और अब देखिए ये सीढ़ी का डिजाइन, सीढ़ी में ग्रेनाइट यूज़ कर रखा है, ये देखिए पूरा सीढ़ी में। और ये रेलिंग का डिजाइन भी आप देख सकते हैं, पूरा रेलिंग का डिजाइन। अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो लगभग इसमें है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखिए, और ये देखिए ये पूरा बाथरूम का डिजाइन, ये देखिए पूरा बाथरूम है, ये इंडियन स्टाइल का बाथरूम है। ये वॉल में सेम डिटो पैटर्न ये साइड में कर रखा है ये। और ये किचन का डिजाइन, अगर आप कभी भी किचन बनाते हैं, अगर आपको वाटरप्रूफिंग किचन चाहिए तो ये आप किचन पूरा पार्टीशन सभी मार्बल में ही यूज करना पड़ेगा ये। ये देखिए पूरा, और किचन के बाद में ये स्टोर का डिजाइन, स्टोर में सभी मार्बल की सेल्फ लगा रखी है। और यहाँ की जो खासियत है देखिए, यहाँ पे खाली मेन डोर का जो चौकट है वो पूरा लकड़ी में बनाया हुआ है, बाकी पूरा ये देखिए ग्रेनाइट का डोर फ्रेम ही, हर जगह पे आपको ग्रेनाइट का डोर फ्रेम ही मिलेगा। और यहाँ पे देखिए एक रूम ये हो गया और दूसरा रूम ये हो गया, ये देखिए पूरा। और जहाँ पे भी दिमक की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वार्ड्रॉप्स क्या है, वार्ड्रॉप देखिए ये पूरा मार्बल में ही वार्ड्रॉप्स बनाए हुए हैं। और ये इसका बाथरूम का डिजाइन भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये पूरा बाथरूम का डिजाइन। देखिए टाइल्स बहुत ही बढ़िया टाइल्स डिजाइन है इसकी। और शावर में भी देखिए आप, शावर का टाइल्स
और ये टाइल्स। अब मैं आपको एक ऊपर से इसका व्यू दिखाता हूँ, आप वीडियो पूरा देखना, आपको मजा आ जाएगा। देखिए, और ये देखिए पूरा सीढ़ियों का डिजाइन। और ये फ्लोरिंग भी निजेना व्हाइट मार्बल। और ये बाथरूम का डिजाइन, सामने एक बाथरूम है। और ये देखिए पूरा, और यहां से अगर आप सीढ़ी देखते तो सीढ़ी का लुक भी आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये जो छत पे मोजाइक टाइल्स लगाई हुई है, देखिए पूरा। और इसको लगाने में लगभग 60 से 70 रुपए का खर्चा आता है विद मटेरियल का। और अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें जो घर बनाते हैं ये कंस्ट्रक्शन में, इसका जो कॉस्ट आता है विद मटेरियल के साथ में बता रहा हूँ मैं आपको, और उसके हिसाब से भी अगर आपकी कोई चॉइस इससे हैवी हुई तो उसकी रेट बढ़ जाएगी आपको। इसका जो कॉस्टिंग जो आता है 1800 रुपए से लेके 2200 रुपए पर स्क्वायर फीट का ये मकान बनाने का जो खर्चा आता है, ये देखिए। और ये साइड में पूरा बालकनी है, ये देखिए पूरा ये विंडो। ये अंदर की साइड में पूरा एल्यूमिनियम है, और ये ग्रिल पूरी स्टील की, लोहे की ग्रिल है। और ये देखिए रेलिंग कट जाएंगे, और ये पूरा सीएनसी में ये पूरी जाली का डिजाइन कर रखा है। और ये देखिए, आप ऐसा प्लास्टर में या कुछ भी डिजाइन निकाल सकते हैं ये पूरा। और यहाँ से देखिए पूरा व्यू इसका, ये बालकनी का व्यू। और ऊपर में देखिए ये WPC का, ये पूरा सीलिंग का डिजाइन कर रखा है ये। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, इसमें CNC का जो डिजाइन का लुक आ रहा है वो बहुत ही शानदार लुक आ रहा है। और एक बार मैं आपको इसका लाइटिंग दिखाना चाहूंगा। देखिए लाइटिंग जो देखेंगे हम, देखिए इसका लाइटिंग का बहुत ही बढ़िया शानदार लुक आएगा अभी। और देखिए 50 रुपए वाला स्क्वायर फीट वाला मार्बल भी देखिए कितना खूबसूरत ये मार्बल दिखता है। ये देखिए पूरा। और अब देखिए लाइटिंग दिखाता हूँ, लाइटिंग का ही मेन मजा है इसमें। एलिवेशन सबसे बढ़िया है इसमें, एलिवेशन का काम कर रखा है पूरा। और भी आपको कोई भी रिक्वायरमेंट रही तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल दूंगा, वहाँ डिटेल में आप देख सकते हैं ये मकान किसने बनाया, कितना खर्चा आता है, पूरा इंक्वायरी कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ से, अब देखिए ये पूरा, जो चीज़ इस पे देखी है, एक लाइटिंग देखी पूरा लाइटिंग। और ये थोड़ा मैं फ्रंट से दिखाऊंगा आपको, मेन गेट से यहाँ से। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। और अगर हम क्रॉस में देखते हैं, देखिए क्रॉस में भी देखिए, और भी थोड़ा दूर जाके देखेंगे तो ये लुक आएगा। ये देखिए, अब देखिए मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। देखिए मेन गेट, मेन फाटक देखिए, और ये देखिए पूरा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा।
धन्यवाद।